नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। सऊदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 रुपए की वृद्धि। नरेंद्र मोदी सरकार की पहल के तहत सऊदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 रुपए की वृद्धि कर दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सऊदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 रुपए की वृद्धि कर दी है। इस संबंध में सऊदी अरब के जद्दा में नकवी ने सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ. मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेंतेन के साथ हज 2017 के संबंध में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्रालय जेद्दा में किए गए। नकवी ने अपने बयान में कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि सऊदी अरब ने 1988 के बाद पहली बार भारत से हज पर जाने वाले यात्रियों के कोटे में इतनी बड़ी वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि हज 2016 में भारत भर में 21 केंद्रों से लगभग 99,903 हाजियों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज किया और लगभग 36,000 हाजियों ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज की अदायगी की थी। नकवी ने बताया कि डॉक्टर मोहम्मद सालेह बेंतेन से उनकी मुलाकात बहुत सकारात्मक एवं सार्थक रही, जिसमें भारत से हाजियों के कोटे हज 2017 के दौरान हज यात्रियों के लिए यातायात, निवास, सुरक्षा व्यवस्था आदि से संबंधित मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। गौरतलब है कि दुनिया भर से हज यात्रा करने वालों में भारत के यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। भारत सरकार हाजियों की यात्रा के खर्च का कुछ हिस्सा सब्सिडी के रूप में मुहैया कराती है। प्रति हज आजमीन पर 1.25 लाख से 1.5 लाख का खर्च आता है। नए नियमों के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले आवेदकों के साथ रिपीटर श्रेणी में जाने वालों, अर्थात जो पहले हज कर चुके हैं, को हज यात्रा का पूरा खर्च देना होगा। हज यात्रा 2017 के एक्शन प्लान के मुताबिक 2 से 24 जनवरी तक हज यात्रा के लिए आवेदन किया जा सकेगा। हज कमेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। इसमें लगातार 3 बार आवेदन करने के बाद भी लॉटरी में नाम न आने वाले आवेदकों और 70 वर्ष की आयु से अधिक के आवेदकों का चयन बिना लॉटरी के किया जाएगा। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुलायम ने कहा, भाजपा के इशारे पर पार्टी तोड़ रहे हैं रामगोपाल, नहीं टूटने दूंगा पार्टी। ट्रंप ने कहा, रूस का डोजियर फर्जी है, किंग पर विस्तृत रिपोर्ट ले आऊंगा। तृणमूल कार्यालय पर गोलीबारी, 2 की मौत, भाजपा पर आरोप। भारत और चीन की खुली धमकी, वियतनाम को आकाश मिसाइलें बेची तो खैर नहीं। सुषमा की चेतावनी के बाद अमेजन ने हटाई तिरंगे झंडे वाली चटाई, नहीं मांगी माफी।